किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस प्रकार की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था, बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है और जहाज जो है खराब हो जाता है। जहाज का कप्तान अनाउंस करता है, कैप्टन अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट जो है उन पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग जो है तैयार होते हैं कि बस हमें मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं, रेस्क्यू टीम्स भी आती हैं। लेकिन एक अंत समय आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है, सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है। लेकिन जहाज पर दो व्यक्ति थे, एक कपल था, एक युगल जोड़ा था, पति पत्नी। पति जो था वो पत्नी को धक्का देता है, जहाज पर ही रोकता है और खुद कूद जाता है लाइफ बोट पर। और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है, जब जहाज डूब रहा होता है जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। तो सारे बच्चों ने कहा, मोस्टली ने जवाब दिया कि सर कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतना प्यार किया तुमने धोखा दिया, ये हुए हो। किसी ने कहा कि हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलब ही निकले हुए हो। एक बच्चा चुप रहा, बहुत सिंसियर लग रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा उससे कि आप चुप क्यों, आप बताइए क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए, उन्होंने कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी। उस लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी हुई थी, मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी तो मेरे पिता से ही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी, उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, जवाब सही है आपका, यही कहा उस पत्नी ने अपने पति से कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा लेकिन कहानी भी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई, उन्होंने कहा कि वो जो जहाज था उस पर जो महिला बची थी, वो जहाज बस डूब गया, उस महिला की मौत हो गई। जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, वहां उनकी बेटी थी, उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उस संतान का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवाया। और समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी, सामान जो है सारा देख रही थी। तब अलमीरा में उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी, और उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका, मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा, हमारी संतान को पालना पोसना आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम ये दुनिया छोड़कर जाने वाली थी, ऐसे में मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी, कहीं ना कहीं उसके मन में चलता था कि पिता ने माँ को वहां के लिए क्यों छोड़ दिया, लेकिन उस दिन उस क्षण उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है, बहुत सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत जटिल होती हैं, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफ़ी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना मोहब्बत करना शुरू कीजिए। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आरजे कार्तिक की कहानी सुन रहे हैं, सुनते रहिए। और एक बात याद रखिए जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।